नम्रता और प्रेम, नम्रता और प्रेम से बात करना है। कोई भी व्यक्ति हमारे गेट पर आता है, हमारा कर्तव्य बनता है नम्रता और प्रेम से बात करना है, उनको इज्जत देना है। जैसे कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गए, उनके साथ तरीके से बात करना है, उनका देखना है होलिया, उनका लिबास, उनका चाल चलन, उनको रिस्पेक्ट देना है। नमस्कार सर, बोलिए सर, आपको कौन से टावर में जाना है, कौन से साहब से मिलना है, कौन से फ्लैट में जाना है, और क्या काम है, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, उसके बाद इंटरकॉम से बात करके अप्रूवल लेना है, अनुमति लेना है, परमिशन लेना है, उसके बाद मोबाइल ऐप के अंदर एंट्री करके उनको तरीके से छोड़ना है। सही है क्या गलत? सही है। क्या विकास? सही है। पक्का? प्रेत सदन, प्रेत विश्राम। ड्यूटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आदमी विमल गुटखा तम्बाकू इस्तेमाल नहीं करेगा, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेगा ऑन ड्यूटी के अंदर। अगर आपको इतनी तलब है, आपको इतना शौक है, जब आप वॉशरूम जाते हो तो विमल का इस्तेमाल कर लो, लेकिन ड्यूटी के अंदर खड़े हो तो कोई भी व्यक्ति विमल गुटखे का इस्तेमाल, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसकी नौकरी जा सकती है। जाने वाली थी कि नहीं जाने वाली थी? जी सर। कितने लोगों की नौकरी? दो लोग की नौकरी जाने वाली थी गेट वाले की। यस, तो उसका पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। ऐसा क्यों करने का? आपको खाने का शौक है, आप 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाते हो तब खा के वापस आ जाओ, लेकिन ड्यूटी के अंदर कोई विमल गुटखा तम्बाकू इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हमेशा याद रखना है। प्रेत सावधान, प्रेत विश्राम, प्रेत सावधान, प्रेत तीन और तीन में दाहिने चलेंगे, दाहिने मुड़, सामने देख, प्रेत आगे बढ़ेंगे, बाएं मुड़, प्रेत विकास सावधान है, एड़ी मिला, एड़ा बन के पेड़े खाता है क्या? हाँ, इतना वफादार आदमी है फिर भी गलती करते हो। प्रेत विश्राम, वेरी गुड। विश्राम में पैर खुलता है, पैर खोलो, खोलो तिवारी। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखे, हम एक मनुष्य है, मनुष्य का कर्तव्य है ईमानदारी, वफादारी और जवाबदारी। आप जिसका तनख्वाह लेते हो आपको ईमानदार, विश्राम हो जाए पैर, विश्राम हो जाए, विश्राम पैर खोलो। आपको ईमानदारी और वफादारी से ड्यूटी करना है, बेईमानी और निग्लिजेंसी से ड्यूटी नहीं करना है। इस बात का ख्याल हर सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को हमेशा याद रखना है। रात्रि पारी के अंदर, नाइट ड्यूटी के अंदर कोई भी व्यक्ति सोने की कोशिश ना करे, रात को जग कर ड्यूटी करे, अलर्ट करे, सतर्क करे और चारों तरफ ध्यान दे। ये नहीं कि ड्यूटी में जाके बैठ गए और नींद लग गई सो गए, ये नहीं करना है। आपको नींद का झोंका आता है, डोजिंग, आंखें बंद होती है, आप मुंह धोलो, टावर के अंदर राउंड मारो, अपने एरिया में अपनी ड्यूटी में राउंड मारो। अपनी ड्यूटी पो छोड़कर दूसरे की ड्यूटी में जाके गपशप नहीं करेगा कोई। टेलीफोन पर मोबाइल, ड्यूटी के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोबाइल जमा हो रहे? जी सर।
पक्का जी सर। अपना अपना मोबाइल जमा करके जाओ, वाइब्रेशन करके जाओ। अगर आपका कोई कॉल इमरजेंसी होगा तो आपका नाइट वाला सुपरवाइजर या दिन वाला एसओ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर चोरी छुपे मोबाइल का इस्तेमाल अगर कोई करते हुए दिखाई दिया, क्विक एक्शन होगा, कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, क्योंकि ऊपर से आदेश है, इस आदेश का पालन करना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कर्तव्य है।